पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और उस समय के जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कलेक्टिवली सबकी रहनुमाई में चुनाव लड़े गए, चुनावों को जिताया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है, इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का विश्वास हम में है जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं।